देखा फ्रेंड्स कितना अच्छा पिज्जा बन गया है, बहुत ही अच्छा टेस्ट, बढ़िया टेस्ट है जी। घर का चीज घर का ही होता है। अभी मैंने व्हीट की आटा से बनाया, बहुत ही अच्छा। मैदा नहीं खाने का ना, मैदा से मत बनाइए, घर में ऐसे ही बनाइए, छोटा छोटा बनाइए, बड़ा बड़ा नहीं तो बहुत प्यारा सा बना के आप लोग खा लीजिए। ये मैं काट के दिखाती हूँ, अंदर कच्चा है क्या पक्का है दिखाती हूँ आप लोगों को। बहुत बढ़िया बन गया है, एकदम अच्छा बन गया। देखा फ्रेंड्स कितना अच्छा बन गया है ये, देखना कैसा पक गया है। ये भी इस साइड का देखना कितना अच्छा पक गया है। रोटी पकाते हैं ना ऐसे पकाने का, हम लोग एक तरफ से पका के दूसरा तरफ से सब सब्जी डाल के 3-4 मिनट रख के फिर बंद कर देना, चीज डाल देना, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आ जाएगा। देखा फ्रेंड्स कितना अच्छा बन गया है। ये छोटा छोटा पीस काट के आप लोग अच्छे सा बनाइए, खा लीजिए, कैसा टेस्ट है मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट दीजिए। मेरे चैनल के नीचे थम्स अप बटन दबाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हेलो फ्रेंड्स, सावित्रीज किचन में स्वागत है। आज आप लोगों को सामने लेके आई हूँ पिज्जा। पिज्जा व्हीट वाला आटा से दिखा रही है मैं मैदा यूज नहीं करूंगी, क्यों, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, मेरे को अच्छा नहीं लगता है, इसलिए व्हीट की आटा से बहुत बढ़िया पिज्जा बन जाता है। मैं वो कैसा बनाने का दिखा रही है, उसका अंदर ईस्ट नहीं चाहिए, ओवन भी नहीं चाहिए, मैं तवा के ऊपर कैसा बनाने का सिंपल वाला बहुत बढ़िया टेस्ट आ जाता है वो दिखा रही है। आप लोग मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन दबाइए, उसके साइड में एक घंटी है उसको दबाइए, ऑल नोटिफिकेशन में क्लिक कर दीजिए। मेरे चैनल पे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलेगा। पहले व्हीट का आटा से मैंने बेस बना रही है। पहले 2 कप मैंने व्हीट का आटा ले रही है, 1 कप डाल दिया है, 2 कप ये डाल दिया। आप लोगों को कितना चाहिए वो हिसाब से आप लोग आटा डाल दीजिए, कितना लोगे वो उस हिसाब से आप लोग आटा मिक्स कर दीजिए। 1/2 टीस्पून मैंने नमक डाल दिया है, आप लोग को नमक कितना चाहिए वो हिसाब से आप लोग डाल दीजिए, नमक नहीं तो अच्छा नहीं लगता है ना, बराबर डाल दीजिए। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर लिया है मैंने, देखना बेकिंग पाउडर है 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1/4 टीस्पून ये काली मिर्ची का पाउडर मैंने दरदरा पीस के रखा है, घर में बनाया है ये, चिल्ली फ्लेक्स और ओरिगानो दोनों मिलके 1/2 टेबल स्पून लिया है, अच्छे से मिक्स कर देंगे, एकदम हाथ क्लीन करके हम लोग एकदम अच्छे से मिक्स करने का। मैदा से अच्छा फूल जाता है करके बहुत लोग कहता है, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है ना, अभी व्हीट के आटा से भी बढ़िया बेस बन जाता है। मैं कैसा बनाने दिखाती हूँ, बहुत अच्छा बना के आप लोग घर में बच्चे लोग को आप लोग को बना के खा लीजिए सैटरडे संडे। 1/4 कप मैंने दही डाल रही है, आपके पास दही नहीं तो नींबू भी पीस सकते हैं, 1 नींबू निकाल के रस भी डाल सकते हैं आप लोग। 1 टेबलस्पून घी डाल रही है, आप लोग को पास ऑयल है तो ऑयल डाल दीजिए, ऑलिव ऑयल डाल सकता है, रिफाइंड ऑयल डाल सकता है, मगर सिंगदाना तेल मत डालना, बहुत टेस्ट नहीं आएगा, वो अजीब स्मेल आता है, इसलिए घी डाल दीजिए, नहीं तो आप रिफाइंड ऑयल डाल दीजिए। एकदम अच्छे से मिक्स कर देंगे हम लोग। दो चपाती के लिए कैसा गूंथते हैं ऐसे गून के रखने का, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के थोड़ा सा सॉफ्ट आटा बनाएंगे, थोड़े से डालेंगे, थोड़ा थोड़ा डाल दीजिए, एकदम पतला नहीं होने का है, और थोड़ा सा 1 टीस्पून डाल देंगे, एकदम दबाने का नहीं आटा को, एकदम हल्का आंच से भून के साइड में रखने का, 10 मिनट साइड में रख के ढक्कन रखे रखेंगे। अभी रेस्ट करने के लिए रखा ना आटा पिज्जा के लिए, अभी टमाटर का सॉस बना रही है, वो सब्जी भून के रखेंगे। अभी सॉस भी घर में बनाएंगे ना, बाहर से नहीं लिया मैं, घर में कैसा सॉस बनाने का मैं सिंपल दिखा रही हूँ आप लोगों को, घर में बनाइए बहुत बढ़िया टेस्ट आ जाएगा। अभी गैस चालू कर रही है, आप लोग ऑयल भी डाल सकते हैं, मैंने बटर डाल रही है, अभी 50 ग्राम मैंने बटर डाल दिया है, आप लोग पास बटर है तो बटर डाल दीजिए, नहीं तो ऑयल भी डाल सकते हैं आप लोग, थोड़ा सा गल जाएगा। अभी 10-15 कली मैंने लहसुन इसका अंदर डाल दिए हैं, ये पहले थोड़ा सा भून के रखने का है, थोड़ा सा भूनेंगे, गार्लिक का फ्लेवर अच्छे से बटर में जाएगा ना, ये पिज्जा का टेस्ट बहुत डबल हो जाता है, ये गार्लिक से ही टेस्ट बढ़ जाता है वो पिज्जा,
गार्लिक नहीं डालेगा, प्याज डालेगा तो भी इतना बढ़िया टेस्ट नहीं आता है। मीडियम में रख दीजिए, थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा तब निकालिए। गार्लिक का कच्चा कच्चा स्मेल जाएगा ना, बहुत बढ़िया टेस्ट आ जाता है, अच्छा भी रहेगा। अभी कलर चेंज हो गया, अभी निकाल रही है। देखिए कितना अच्छा कलर चेंज हो गया, दिखा रही। पूरा बटर निकाल दिया मैंने, थोड़ा सा ही रखा है बटर, जलने का नहीं है। ये ऑनियन डाल रही है, ये प्याज ऐसे टेस्ट का काटा है, ऐसे अच्छा लगता है पिज्जा में। थोड़ा सा बटर रखा है मैंने, अभी उसी में सब्जी भून के रखेंगे। ज्यादा नहीं भूनने का, सिर्फ थोड़ा सा हल्का सा कलर चेंज होने का है। आधा कप मैंने स्वीट कॉर्न लिया है, वो भी डाल रही है। दो टेबल स्पून, सोचो आप लोग, दो टेबल स्पून मैंने स्वीट कॉर्न लिया है, वो भी ताजा वाला लेना, बहुत बढ़िया टेस्ट आ जाता है। सूखा वाला मत डालिए, टेस्ट नहीं आएगा, एकदम ताजा कोला वाला डालेगा ना, बहुत मीठा मीठा अच्छा रहेगा। देखा फ्रेंड्स, अच्छा हो गया, प्याज भी कलर चेंज हो गया। अभी शिमला मिर्ची डाल देंगे, शिमला मिर्ची भी ऐसे ही काट दिया मैंने, देख रहे पिज्जा के लिए ऐसे काटेगा ना, अच्छा लगेगा, देखने को भी अच्छा है, बहुत ही अच्छा सुंदर दिखेगा खाने को भी। अभी टमाटर का बीज निकाल दिया मैंने पूरा, देखना ऊपर का डाल दिया, बीज निकाल के रखा है, ऊपर का डाल दी, देखना ऐसा। हाफ कप मैंने टमाटर भी डाल दिया है, छोटा कप में, थोड़ा ये मीडियम में रख दीजिए, छोड़ने का नहीं, जलेगा ना बिगड़ जाएगा, पिज्जा का टेस्ट नहीं आएगा। मीडियम टू हाई फ्लेम में रख के आप लोग खड़ा हो जाइए उधर, फटाफट फटाफट घुमा ले जाइए, छोड़ने का नहीं, जल जाएगा। 3-4 मिनट में सब्जी भून के रेडी हो जाएगा, 3-4 मिनट आप लोग भून लीजिए, पता चलता है आप लोगों को हो गया कि नहीं। थोड़ा ध्यान से उधर ही खड़ा होकर थोड़ा हिलाते रहना चारों तरफ। थोड़ा सा हल्का सा नमक डाल दीजिए, 1/4 टीस्पून मैंने काली मिर्ची पाउडर भी डाल दी, 1/4 टीस्पून मैंने नमक भी डाल दी, 1/4 टीस्पून ओरिगानो डाल रही है। देखिए ओरिगानो बाजार में मिलता है आप लोगों को, ओरिगानो बोलेगा तो मिलेगा, छोटा पैकेट मिलता है, वो डालेगा तो बहुत बढ़िया टेस्ट आ जाता है। 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स डाल दिया है, अभी हो गया है, गैस बंद कर रही है मैं, सब प्लेट में शिफ्ट कर रही हूँ। कितना अच्छा कलर है ना, अभी मैंने बाकी थोड़े सा निकाल के रखा ना लहसुन, मैंने ये थोड़ा सा लहसुन 1 टीस्पून लहसुन डाल रही है इसके अंदर, प्याज चालू कर रही है। थोड़े से बर्तन में निकाल के रखा ना गार्लिक का और बटर, वो भी थोड़े से डाल दिया, 1 टीस्पून डाल दिया इसके अंदर, बटर भी आ गया है। 2 हरी मिर्ची बारीक बारीक काट के रखा है, आप लोगों को कितना तीखा चाहिए वो हिसाब से आप लोग डाल दीजिए। ये बारीक बारीक मैंने प्याज डाल दिए, देखिए 2 प्याज है, ये 2 मीडियम साइज का प्याज है, काट के रखा है, एकदम थोड़े से भून के रखेंगे। आपके पास ऑलिव ऑयल तो ऑलिव ऑयल भी यूज कर सकते हैं आप लोग, रिफाइंड ऑयल तो भी डाल दीजिए, मगर सिंगदाना वगैरह मत डालिए, तो अलग टेस्ट आ जाता है उसका। अभी प्याज भूनने के लिए हो जाएगा, कलर चेंज हो गया, देखना आप लोग ये हो गया। अभी टमाटर है, 2 टमाटर है ये, पहले बीज निकाल के रखा है ना हम लोग ने सब्जी में भून के रखा है, वो बीज इसके अंदर डाल दिया मैंने, वो बीज भी फेंका नहीं मैंने, इसके अंदर डाल दिया, क्यों सॉस के साथ बनाएगी, सॉस बनाएंगे ना, ये सॉस के साथ बनाएगी तो बढ़िया टेस्ट आ जाता है, वो बीज फेंकने का नहीं, अलग रखने का, इसके अंदर डालने का है। ये भी भून के रखेंगे थोड़ा, ये भी पक जाएगा। 1 टेबल स्पून टमाटर केचप डाला है, देखना 1 टेबल स्पून डाल दिया, ये सॉस के बाहर से लिया ना, वो सॉस का थोड़ा सा मीठा रहता है, इसके अंदर अभी मीठा नहीं डालने का है, शुगर मत डालिए, थोड़ा सा सॉल्ट डाल दीजिए स्वाद अनुसार, आप लोग को कितना नमक चाहिए उतने से नमक आप लोग डाल दीजिए, मैं तो 1/2 टीस्पून डाल दिया है, बाद में कम पड़ेगा तो डाल सकते हैं, एक बार डालेगा फिर ज्यादा होगी तो मुश्किल है निकालने का। ओरिगानो डाल दिया है 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स डाल दिया, अभी मीडियम में रख के एकदम अच्छे से पकने का है। टमाटर प्याज वगैरह आप लोग को तीखा और नमक कितना चाहिए उतना डाल दीजिए, सब्जी के हिसाब से डाल दीजिए नमक वगैरह, मैं क्या क्या क्वांटिटी डाला सब्जी के हिसाब से आप लोग कम ज्यादा कर सकते हैं। थोड़ा हिलाते रहना सॉस, नहीं तो ये सब्जी नीचे से जल जाएगा, सॉस का टेस्ट बिगड़ जाएगा। आराम से उधर ही रुकिए, 2-3 मिनट में पक जाएगा सब्जी, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा आप लोगों को। मैंने 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर डाली है कलर के लिए, ये तीखा नहीं रहता है, कलर अच्छे से आ जाएगा सॉस के कलर, फिर थोड़ा सा डाल दिया, आप लोग को चाहिए तो डाल दीजिए नहीं तो जरूरी नहीं है। अभी ढक्कन 1 मिनट के लिए ढक्कन रखेंगे, जल्दी पक जाएगा। देखा फ्रेंड्स, एकदम ढक्कन रखेगा तो एकदम अच्छे से पक गया पूरा,
ढक्कन रख दीजिए, एक मिनट में बन जाए। हो गया, अभी गैस बंद कर रही है मैं, अभी गैस बंद कर दिया। इसको ठंडा करने की जरूरत नहीं है, सॉस के लिए हम लोग बनाए ना, ये गरम गरम में हैंड ब्लेंडर से पीस सकते हैं हम लोग ठंडा करने का जरूरत नहीं, किसी के पास हैंड ब्लेंडर नहीं है, वो लोग थोड़ा सा ठंडा करके मिक्स में डाल दीजिए। गरम गरम डालेगा मिक्सी खराब हो जाता है। देखा फ्रेंड्स कितना अच्छा हो गया, कितना अच्छा बन गया ना। अभी बाउल में निकाल के दिखा दूंगी आप लोगों को, बहुत बढ़िया टेस्ट आते हैं बाहर से सॉस लेने में, ये बना के आप लोग खाएगा ना इसका टेस्ट अलग रहता है। देखा फ्रेंड्स कितना अच्छा सॉस दिख रहे हैं ना आप लोग को, कितना अच्छा बन गया। अभी बेस कैसा बनाने का मैं दिखा दूंगी। आटा गूंद के रखा है ना, अभी थोड़े सा ऑयल लिया है हाथ में, 10-15 मिनट के लिए रखा है मैंने। अभी इसको थोड़ा सा हम लोग इसको थोड़े सा हल्का हाथ से, एकदम दबाने का नहीं है, थोड़ा सा तेल लगा है हाथ में मैंने, क्यों उसका थोड़ा चिपक जाएगा ना, इसलिए मैदा तो नहीं है, अच्छे सा गेहूं का आटा है ना, देखना अभी हो गया ऐसा, थोड़ा हल्का हल्का करने का ऐसा। इसको चार पीस करेंगे, आप लोग को तीन भी कर सकते हैं, आप लोग का मर्जी, मैं तो चार कर रही है। अभी साइड में रख के उसको ढक्कन रखा है मैंने, बाकी पीस के लिए एक पीस लिया है मैंने। अभी इसको हल्का सा हम लोग रोटी जैसा बेलने का है, कितना थिक बेलने का मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, हल्का हल्का, ज्यादा मोटा नहीं बनने का, थोड़ा सा पतला करने का, ज्यादा मोटा नहीं करने का है, बहुत टाइम लगता है ना, चपाती ही बनाते हैं ना उससे थोड़ा सा मोटा बनाएंगे हम लोग। देखना ये साइड्स में भी थोड़ा सा हल्का सा दबाइए, मैं ज्यादा थिक नहीं रखा इसको, देखना आप लोग इतना थिक रख दीजिए, बराबर चारों तरफ अच्छे से बेल करके रखने का, एक ज्यादा एक जगह में मोटा एक जगह में पतला नहीं रहने का है, एकदम अच्छे से ऐसा करने का है, ज्यादा पतला नहीं है ज्यादा थिक भी नहीं है, देखने ऐसा किया मैंने थोड़ा सा, क्यों पकने में इजी पड़ेगा, फोर्क से हम लोग थोड़ा सा होल्स करेंगे तभी अच्छे से पक जाएगा। हम लोग पहले थोड़ा सा गार्लिक निकाल के रखा है ना कटोरी में, थोड़ा सा उसके अंदर डाल दिया, सब्जी के अंदर सॉस के अंदर डाल दिए, अभी थोड़ा सा बच के इसके अंदर थोड़े से डाल के हम लोग एक गार्लिक पीस ऐसा रोटी में इसका चिपकने का, अच्छे से इसमें लगना चाहिए तभी बढ़िया टेस्ट आ जाते, देखना बस थोड़ा सा ऐसा स्प्रेड करने का ऑयल, देखा फ्रेंड्स इसको ऐसा रखेंगे, ये बहुत सिम में रखने का, अच्छे से आराम से पकने का, नहीं तो जल्दी जल्दी पक जाएगा कच्चा हो जाता है। थोड़ा सा बटर डाला है इसके अंदर, स्प्रेड करेंगे, स्प्रेड कर दिया मैंने, देखने थोड़े से डालने का, ज्यादा नहीं चाहिए बस। अभी ढक्कन रखती हूँ, एक मिनट दो मिनट के लिए ढक्कन रखेंगे, अंदर पक जाएगा ना तभी उल्टा कर देंगे हम लोग, क्यों नहीं तो कच्चा कच्चा रह जाएगा, सिम में रख दिया मैंने, देखना कितना अच्छा फूल रही ना। एक प्लेट लेने का है, थोड़ा इसके अंदर बटर डालने का है, इसके अंदर थोड़ा सा स्प्रेड करने का है, इसका ऊपर हम लोग उल्टा डालेंगे, ये इसको ऊपर डालेंगे हम लोग, थोड़ा सा बचा हुआ ये लहसुन का पीसेस है ना, बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा इसको फेंकने का है। अभी मैं इसके अंदर ये उल्टा रख रही है स्टैंड, एक बार तवा में गर्म करने का, फिर उल्टा करके एक स्टैंड रखने का, उसके ऊपर एक प्लेट रखने का। अभी इसके ऊपर सॉस लगाएंगे, सब पकड़ के आराम से हाथ ध्यान से रखना, ये बाहर कैसा चटनी विटनी सॉस है सब मत खाने, ऐसे सॉस घर में बना के, एक ये सॉस बना के ज्यादा भी आप लोग फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं अच्छे से। कितना सारा सब्जी डाल दिया, थोड़ा सा ऐसा दबा के इसके अंदर चीज, अभी क्यूब है ना ऐसा थोड़ा सा, देखना देखना फ्रेंड्स कितना अच्छा लग रही है ना, बच्चे लोग बहुत बढ़िया खुशी से रह गए, दिखाएगी तो आप लोग को सब्जी भी जाएगा वो लोग को अंदर। अभी थोड़े सा बटर डालेंगे उसके ऊपर, थोड़ा
थोड़ा सा इसको ऊपर डाल देंगे हम लोग, थोड़ा सा गर्म होके अंदर लगेगा ना, अच्छा टेस्ट आ जाता है। देखना फ्रेंड्स, अभी ढक्कन रखेंगे, ये धुमक यहाँ तवा से आ रही है, उसको रोटी से नहीं है। आप लोग नीचे से गर्म हो रही है ना, तवा से धुमा आ रही है, रोटी तो अच्छे से आराम से पक जाएगा, ये चीज मिल्ट हो जाएगा तब निकालेंगे। इसको डायरेक्ट नहीं रखा ना, थोड़ा टाइम लगेगा, फिर अंदर कच्चा नहीं रहेगा, एकदम पक जाएगा। पक के छोड़ने का नहीं, देखते रहने का। देखना फ्रेंड्स, अभी देखेंगे, हाँ देखना अच्छा लग रही है ना, अभी चीज मिल्ट हो गया है, कितना अच्छा लग रही है ना। घर में बनाएगी तो ऐसा ही लगता है, वो बाहर का चीज अलग रहता है, घर का भी अलग रहता है, मगर टेस्ट ये बढ़िया रहेगा। कितना अच्छा लग रहा है ना, आपको दिखाती हूँ, देखना इसका अंदर भी एकदम पक गया है, देखना देखना ये भी अच्छा लग रहा है। देखना काट के दिखाती हूँ आप लोगों को, ये निकाल रही है अभी। देखा फ्रेंड्स कितना अच्छा पिज्जा बन गया है, बहुत ही अच्छा टेस्ट, बढ़िया टेस्ट आ जाए, घर का चीज घर का ही होता है। अभी मैंने व्हीट की आटा से बनाया, बहुत ही अच्छा, मैदा नहीं खाने का ना, मैदा से मत बनाइए, घर में ऐसे ही बनाइए, छोटा छोटा बनाइए, बड़ा बड़ा नहीं, तो बहुत प्यारा सा बना के आप लोग खा लीजिए। ये मैं काट के दिखाती हूँ, अंदर कच्चा है क्या पक्का है दिखाती हूँ आप लोगों को। बहुत बढ़िया बन गया है, एकदम अच्छा बन गया। देखा फ्रेंड्स कितना अच्छा बन गया है ये, देखा फ्रेंड्स कितना अच्छा बन गया, ये छोटा छोटा पीस काट के आप लोग अच्छे सा बनाइए, खा लीजिए, कैसा टेस्ट है मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट दीजिए। देखना कैसा पक गया, ये भी इस साइड का देखना कितना अच्छा पक गया है। ये रोटी पकाते हैं ना ऐसे पकाने का, हम लोग एक तरफ से पका के दूसरा तरफ से सब सब्जी डाल के 3-4 मिनट रख के फिर बंद कर देना, चीज डाल देना, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आ जाएगा। आप लोग बना के खाने के बाद कैसा बन गया, कैसा टेस्ट आया मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट दीजिए। मेरे चैनल के नीचे थम्स अप बटन दबाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे चैनल को लाइक भी कर दीजिए। बाय फ्रेंड्स, सी यू, टेक केयर। ये अच्छा लगेगा आप लोग को, फ्रेंड्स को, परिवार को, आप लोग मेरे चैनल को फॉरवर्ड कर दीजिए, मेरे को थोड़ा कमेंट भी दीजिए, कमेंट देगा एंकरेजमेंट रहेगा थोड़ा, कैसा बन रही, कैसा टेस्ट आया, कैसा नहीं बन गया, नहीं बनी गए तो भी आप लोग मेरे को दे सकते हैं, बुरा नहीं लगेगा। आप लोग कैसा बन गया, कोई सा भी कैसा भी बन गया तो मेरे कमेंट दीजिए बस, ठीक है। आप मेरे चैनल को सपोर्ट देना प्लीज। बाय फ्रेंड्स, सी यू, टेक केयर।